चाहूंगा कि जो स्पोर्ट्समैन होता है या स्पोर्ट्स होता है, अगर आज आप कंपेयर करें ओलंपिक्स में और आप कंपेयर करें दुनिया भर में, तो जो स्पोर्ट्समैन होते हैं यूएसए में, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं यूरोप में, वो सिर्फ स्पोर्ट्स ही खेलते हैं। वो इंजीनियर भी होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, टीचर भी होते हैं, प्रोफेशनल भी होते हैं, तो वो अपनी पढ़ाई भी करते हैं और साथ में स्पोर्ट्स भी करते हैं। उससे दो फायदे हो जाते हैं, पहले उनकी डिपेंडेंसी कमाई की और अपने आप को सपोर्ट करने की स्पोर्ट से हट जाती है, और सामाजिक होने की वजह से वो अपनी इनकम भी जनरेट करते रहते हैं और अपने स्पोर्ट को भी परस्यू करते रहते हैं। दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सिर्फ स्पोर्ट्स खेलना एक अलग बात है, स्पोर्ट्स के साथ में न्यूट्रिशन लेना और मेंटल टफनेस आना वो अलग बात है। अगर हम सिर्फ फिजिकली करते रहेंगे तो जो एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है, एक मेंटल लेंस डेवलप होती है, वो वाली चीज़ डेवलप नहीं हो पाती। तो आज की डेट में हमें स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के साथ में, ये तो अच्छा हो गया कोरोना हो गया और सारी दुनिया में ये पता चल गया कि आज आप अपने बंद कमरों में से भी सारी दुनिया को चला सकते हैं और सीख सकते हैं। तो जो टाइम जैसे पैसा ने बोला कि आप गेम्स पे लगाते हैं, वो टाइम आप लगाएं ऑनलाइन कोर्सेज में, अपनी एजुकेशन से फिटनेस के भी कोर्सेज करें, क्योंकि आने वाले टाइम में इंडिया में तो 1% भी पेनिट्रेशन नहीं है फिटनेस की और फिटनेस ट्रेनर्स की, जबकि यहाँ के कोर्ट में स्पोर्ट्समैन है। तो इसका लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने भी ग्लोबल फिटनेस फाउंडेशन हमारी संस्था है, हमने इसके अंदर एक हेल्पलाइन भी चालू कर रही है, वो हेल्पलाइन मेडिकल की रहेगी। जो माँ बाप जिनके बच्चे आज स्पोर्ट्स को परस्यू कर रहे हैं बट माँ बाप को ये लगता है कि अगर मेरा बेटा इंजीनियर बन जाता, मेरा वकील बन जाता, डॉक्टर बन जाता, उसको सपोर्ट नहीं मिल पाता, तो ऐसे माँ बाप को भी हम लोग अपने साथ जुड़ेंगे और उनके ऐसे और जो बच्चे आज इस तरीके से स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिशन में ये देख चुके हैं कि अच्छे लोगों के या अच्छे घरों के बच्चों को उस मंच में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, बट आज वो बेसिक लेवल से आ रहे हो और हमारे पास कुछ नहीं है। तो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे मिल्खा सिंह जी, जिनके पास कुछ भी नहीं था और उन्होंने अपने आप को इतना अचीव करा, बट आज तो भी सोशल मीडिया और दुनिया इतनी ओपन हो रही है, तो सिर्फ स्पोर्ट्स के साथ में रहने के बजाय उस दुनिया को भी जाने और दुनिया में भी पार्टिसिपेट करें और खुद भी एक प्रोफेशनल जरूर बने, ताकि जो घर है और जो समाज है उसको स्पोर्ट्स के साथ में बाकी चीज़ों से भी कॉन्ट्रीब्यूट करें। धन्यवाद।